हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आपका डीजी गुरु के एनिमेटेड वीडियो सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं फेसबुक एल्गोरिदम क्या होता है एंड फेसबुक एल्गोरिदम समझने के हेल्प से हम किस तरह से अपने पोस्ट का ऑर्गेनिक रीच को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फेसबुक एल्गोरिदम के साथ। Hello everyone, my name is Kundal and I would like to welcome you all to one of the most exciting. You were that foundation, never gonna be another one, no. I followed, so taken, so conditioned I could never let go. I've seen that frustration, been caused and lost and told no. And I've come back unshaken, let down. So the first point is creating high quality and engaging content. जब भी हम फेसबुक पेज को यूज़ करना चाहते हैं अपने मार्केटिंग या ब्रांड अवेयरनेस के पर्पज़ से या किसी भी पर्पज़ से, जो सबसे पहला हमारा हर्डल आता है वो ये है कि हमारे फेस का ऑर्गेनिक रीच बहुत कम हो चुका रहता है। दैट इज़ जितने भी हमारे फॉलोअर्स होते हैं उतने हमारे लाइक्स या कमेंट्स नहीं आते हैं ऑन आर फेसबुक पोस्ट। उसका सिंपल कारण ये होता है कि जैसे ही हमारे फेसबुक पेज के पोस्ट का इंगेजमेंट कम होता है, इंगेजमेंट मीन्स लाइक कमेंट या शेयर कुछ भी, अगर हमारे पेज का इंगेजमेंट जैसे ही कम होने लग जाता है वैसे ही हमारे पेज का ऑर्गेनिक रीच भी कम हो जाता है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन और इंक्रीज द ऑर्गेनिक रीच, जो सबसे पहले हमें काम ये करना चाहिए कि एक ऐसा कंटेंट बनाना है कि यूज़र ना ओनली सिर्फ इंगेज हो बट वो हमारे अगले कॉन्टेंट का भी वेट करें जो कि हमारे पेज में आने वाला होता है। इससे हमारे पेज का ऑर्गेनिक रीच और इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली पोस्टिंग। कंसिस्टेंटली पोस्टिंग का मतलब होता है कि हमें अपने पोस्ट को अपने फेसबुक पेज में एक रेगुलर टाइम पे पोस्ट करना है। रेगुलर का मतलब ये नहीं होता है कि हमें हर दिन पोस्ट करना है। रेगुलर का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन या स्पेसिफिक इंटरवल पे, चाहे वो एक दिन हो, चाहे दो दिन हो, चाहे चार दिन हो। फेसबुक हमेशा कोशिश करता है कि एक यूज़र को फ्रेश कॉन्टेंट ही दिखाने के लिए। अगर हम अपने पेज में इररेगुलरली पोस्टिंग करते रहेंगे तो फेसबुक को, क्रॉलर को कभी भी नहीं पता रहेगा कि हमारे पेज पे कब एक लाइव या फ्रेश कंटेंट आ रहा है। इसके कारण से वो हमारे पोस्ट को कभी भी नहीं सेलेक्ट करता है या बहुत कम ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे पोस्ट को सेलेक्ट करेगा इन ऑर्डर टू शो टू द ऑडियंस। सो इन ऑर्डर टू मेक योर फेसबुक पोस्ट रीच टू योर ऑडियंस ऑर्गेनिकली, ऑलवेज पोस्ट कंसिस्टेंटली एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे। ओके, जो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है फेसबुक लाइव। फेसबुक एल्गोरिदम के हिसाब से वो अपने यूज़र्स को हमेशा फ्रेश कंटेंट्स दिखाने की कोशिश करता है। और जब भी हम फेसबुक के लाइव ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो फेसबुक एल्गोरिदम को ये लगता है कि ये जो कंटेंट है ये लाइव है, इट मीन्स ये फ्रेश है, और वो जल्दी से जल्दी अपने फॉलोअर्स को या जो उस टाइप के कॉन्टेंट से इंगेज होते हैं उनको ये फेसबुक लाइव के नोटिफिकेशन भेजता है। एज अ रिजल्ट हमारे कॉन्टेंट का रीच इज़ मच हायर अगर मैं कंपेयर करूँ किसी भी दूसरे टाइप ऑफ कॉन्टेंट से, चाहे वो इमेज हो या नॉर्मल वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं। सो बाई यूजिंग फेसबुक लाइव फीचर हमारे फेसबुक के पोस्ट का ऑर्गेनिक रीच इज़ हायर कम्पेयर टू एनी अदर पोस्ट टाइप। सो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर दूसरे वीडियो फेसबुक लाइव ही करते रहें, बट एटलीस्ट वीक में एक बार कम से कम हम फेसबुक लाइव कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपना रीच इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नाउ जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ रहा है फॉर इंक्रीजिंग द फेसबुक ऑर्गेनिक रीच, वो है कि आप एक ऐसा कंटेंट बनाइए जिसमें आप यूज़र को इनक्रेज कर रहे हैं कि वो आए और आपके पोस्ट के साथ इंगेज हो। आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी बार आपने अपने फेसबुक में देखा होगा कुछ इस तरह का पोस्ट आता है कि 2 elephant is equal to 10, 1 elephant 1 dog is equal to 25 एंड स्टफ लाइक दैट, एंड फिर पूछता है 1 elephant and 1 monkey कितना होता है। तो ये इस तरह के कंटेंट्स आपको इनकरेज करते हैं या आपको प्रोवोक करते हैं कि आप उस पोस्ट के साथ इंगेज हों। जैसे ही आप उस पोस्ट के साथ इंगेज होते हैं फेसबुक को एल्गोरिदम के हिसाब से वो पोस्ट एक पॉजिटिव पोस्ट के नज़र में आ जाता है, एंड व्हेन इंगेजमेंट इज इंक्रीज तो आपका अगले आने वाले पोस्ट का भी ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज हो जाता है। सो व्हेन यू आर कंसिस्टेंटली पोस्टिंग ट्राई टू पोस्ट समथिंग कि यूज़र उसके साथ इंगेज हो अपने एक्सपीरियंस या व्यूज़ डालने में। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फेसबुक ग्रुप।
फेसबुक में एक ग्रुप एक ऐसी ऑप्शन होती है जहाँ पे किसी भी यूज़र को या ग्रुप ऑफ पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट पाए जाते हैं। जब भी हम कोई कंटेंट अपने सिमिलर फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करते हैं सो फेसबुक उस ग्रुप के सारे मेंबर्स को नोटिफिकेशन भेजता है जब भी कोई भी एक ग्रुप मेंबर कोई कंटेंट पोस्ट करता है। सो अगर हम अपने कंटेंट्स को या अपने क्रिएटिव्स को फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करते हैं सो देर इज़ ए वेरी हायर चांसेस कि इंगेजमेंट उस पर आए, क्योंकि वहाँ पर नोटिफिकेशन ऑलमोस्ट हर यूज़र को नज़र आता है जो भी उस ग्रुप के मेंबर होते हैं। बट ये फेसबुक केस में नहीं होता है। फेसबुक पेज के केस में सिर्फ उन्हीं को नोटिफिकेशन जाता है जो कि हमारे पेज के साथ इंगेज्ड होते हैं। सो बाय पोस्टिंग द कंटेंट्स ऑन फेसबुक ग्रुप हमें ज़्यादा इंगेजमेंट मिलने के चांसेस होती है। सो वी शुड ऑलवेज यूज फेसबुक ग्रुप फॉर हायर रीच। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, एंड आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं कि किस तरीके से हम अपने फेसबुक का ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं अगले वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर थोड़े से डिटेल वीडियोस बना दूँ। एंड डू शेयर योर ओपिनियन कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल डू सब्सक्राइब इट सो दैट आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। Thank you so much and have a great day ahead. Thank you.